पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी जिलों में नियंत्रण रेखा के पास अग्रिम चौकियों और गांवों को निशाना बनाते हुए एक बार फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। सेना के एक प्रवक्ता ने शनिवार को बताया कि पाकिस्तानी सैनिकों ने पुंछ के बालाकोट सेक्टर और राजौरी के नौशेरा में बिना किसी उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी की और मोर्टार के गोले दागे। भारतीय सेना ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। पुंछ जिले के मेंढर सेक्टर में पाकिस्तानी सेना ने फायरिंग की है। इसके अलावा शाहपुर और किरनी सेक्टरों में आज सुबह 10:45 बजे संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया। भारतीय सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की। प्रवक्ता ने बताया कि पाकिस्तान ने पहले शुक्रवार को रात 8 बजे से 10 बजे के बीच नौशेरा में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया और फिर रात करीब 12:45 से देर रात 2 बजे के बीच बालाकोट में छोटे हथियारों से गोलीबारी की और गोले दागे। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी गोलीबारी में किसी भारतीय के हताहत होने की खबर नहीं है। इससे पहले पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हीरानगर सेक्टर में वीरवार रात 12 बजे गोलीबारी कर सीज फायर का उल्लंघन किया। सीमावर्ती मनियारी गांव के नजदीक गिरे मोर्टार के गोलों के धमाकों से इलाका गूंज उठा, जिससे लोगों की नींद उड़ गई। इसे ग्रामीणों ने पूरी रात दहशत में बिताई। एहतियातन 5 सरकारी स्कूल शुक्रवार को बंद रहे। शुक्रवार को सामान्य हालात बने रहे। दोनों ओर से किसी भी तरह की गोलीबारी या जवाबी कार्रवाई नहीं की गई है। आपको बता दें कि अधिकारियों के अनुसार इस साल अभी तक पाकिस्तान ने 2050 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है, जिसमें 21 भारतीय मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए। भारत ने लगातार पाकिस्तान से कहा है कि वह अपने बलों से 2003 संघर्ष विराम समझौते का पालन करने और नियंत्रण रेखा तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर शांति बनाए रखे। निखिल के साथ दीपक कुमार की रिपोर्ट, punjabkesari.com। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक कीजिए। यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो।